प्यारे बच्चों नमस्कार। एएस लर्निंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वापस अपने लिस्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने अपनी पहली वीडियो के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ लिया था, आज हम अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट की अगर मैं बारे में एक इन दोनों के डिफरेंस की मैं अगर बात करूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो आपके लिस्ट आइटम्स हैं वो एक ऑर्डर में मेंशन होते हैं, और अनऑर्डर्ड में आपने जैसा कि देखा था हमने बहुत सारे बुलेट्स का यूज किया था। बुलेट्स यानी उस स्पेशल सिंबल की मैं बात कर रहा हूँ, जो स्मॉल सिंबल आप अपने लिस्ट आइटम से पहले मेंशन करते हैं उसकी मैंने बात की है। यहाँ हम बात करेंगे अपने ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। यहाँ भी आपको सिर्फ दो ही टैग यूज करने हैं। सबसे पहले टैग है आपका ओएल टैग, जिसको आप लोग अपने ऑर्डर्ड लिस्ट टैग बोल सकते हैं, और जो सेकंड टैग आप यहाँ पर यूज करेंगे वो एलआई लिस्ट आइटम टैग, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, इसके बाद में जो यहाँ एट्रीब्यूट यूज करना है आपने ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, वो आपके एट्रीब्यूट हैं दो। जो पहला है आपने टाइप एट्रीब्यूट यूज करना है, और इसके बाद जो सेकेंड एट्रीब्यूट है वो हम अपना स्टार्ट एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट करते हैं, और उसके बाद अपने टाइप एट्रीब्यूट और स्टार्ट एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे। चलिए, मैं एक HTML के अंदर जाकर मैंने एक प्रोग्राम बना लिया है। ये प्रोग्राम मेरा वही जो आपने पहले यूज किया था अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, सेम प्रोग्राम है। सिर्फ आपने चेंजेस ये करने हैं कि सबसे पहले अपने यूएल के प्लेस पर आपने यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कोड लिखना है। मैं इसके टाइप को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये जो टाइप लिखा था आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए था। ऑर्डर्ड लिस्ट के बाद में यहाँ से मैंने अपने क्लोजिंग टैग यूज कर लिया अपने ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ये सेम प्रोग्राम ही हम अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज कर रहे हैं, जो हमने अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए लिखा था। कंट्रोल एस के साथ में मैंने इसको सेव कर लिया। जो जो चेंजेस थे वो आपके सेव हो चुके हैं। इसके बाद वापस से हम अपने ब्राउजर स्क्रीन पर जाते हैं और इस कोड को रिफ्रेश करते हैं। जैसे मैंने इस कोड को रिफ्रेश किया तो आउटपुट आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, लिस्ट आइटम से पहले यहाँ पर नंबरिंग शो हो चुकी है। याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपके नंबर्स आते हैं, यानी यहाँ आपको टाइप की जरूरत नहीं है। अगर मैं टाइप की भी बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफॉल्ट आपके नंबरिंग टाइप आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे अपने ऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप के बारे में। सबसे पहली बात है, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर अगर मैं बात करूं ऑर्डर्ड लिस्ट में, तो यहाँ आप अपने फाइव टाइप यूज कर सकते हैं। यानी पहला जो टाइप होगा आपका वो वन। अगर आप वन वैल्यू पास करते हैं अपने टाइप एट्रीब्यूट के लिए, जो आपका बाय डिफॉल्ट केस भी होगा, यहाँ पर आपके लिस्ट आइटम नंबर के साथ में शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो आपका टाइप लिस्ट का वैल्यू है वो आपकी कैपिटल आई है। अगर आप कैपिटल आई पास करते हैं टाइप के अंदर, तो यहाँ आपके अपर केस में लिस्ट आइटम शुरुआत हो जाएंगे। यानी लिस्ट आइटम से पहले यहाँ अपर केस में रोमन नंबर आपका आ जाएगा। स्मॉल आई से आप यहाँ लोअर केस में रोमन नंबर से शुरुआत करा सकते हैं अपने लिस्ट आइटम की। और जो आपका फोर्थ टाइप है वो स्मॉल ए है। अगर आप स्मॉल ए पास करते हैं, तो स्मॉल ए से लेकर जेड तक के यहाँ अल्फाबेट्स आपकी लिस्ट के अंदर मेंशन हो जाएंगे। और जो फिफ्थ टाइप है वो आपके अपर केस लेटर हैं, जिसके लिए आप कैपिटल ए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वन बाई वन हम एक एक करके अपने टाइप एट्रीब्यूट के बारे में देखेंगे, और साथ में इसकी जो अलग अलग वैल्यूज हैं उनको पास करके देखेंगे, और देखेंगे कि हमारे आउटपुट में क्या क्या चेंजेस आते हैं। चलिए, सबसे पहले प्यारे बच्चों मेरा सेम वही कोड है जो मैंने अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए अभी लिखा था, और जिसके आउटपुट में मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो लिस्ट आइटम की शुरुआत है वो एक नंबर के साथ में होती है। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपने टाइप एट्रीब्यूट के बारे में टाइप करना है, और टाइप एट्रीब्यूट में यहाँ सबसे पहले मेंशन करता हूँ स्मॉल ए। यानी अब जो मेरे लिस्ट आइटम है वो मेरे अल्फाबेट से स्टार्ट हो जाएंगे। कंट्रोल एस के साथ में मैंने अपने प्रोग्राम को सेव कर दिया, और वापस मैं अपनी ब्राउजर स्क्रीन पर गया और मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो आउटपुट में जो चेंजेस हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। अब यहाँ लिस्ट आइटम आपके स्मॉल अल्फाबेट से शुरू हो चुके हैं, जो आपके स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी करके है। अगर कोई फिफ्थ आइटम होता तो वो आपके स्मॉल ई से स्टार्ट हो जाता, राइट। सेकंड जो वैल्यू है वो पास कर लेते हैं हम अपने टाइप के अंदर। यहां से मान लेते हैं मैंने कैपिटल आई लिख दिया। कैपिटल आई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप कैपिटल आई पास करते हैं तो इससे आपके जो आउटपुट के अंदर जो भी लिस्ट आइटम है वो
स्मॉल यानी अपर केस के अंदर रोमन नंबर में शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इस कैपिटल आई के प्लेस पर स्मॉल आई यूज कर सकते हैं या करते हैं तो वहां पर आप अपने लोअर केस में रोमन नंबर को देखेंगे। सबसे पहले मैं अपर केस की बात कर रहा हूँ। कंट्रोल एस के साथ में आपने अपने प्रोग्राम को सेव किया, वापस से आप अपने ब्राउजर स्क्रीन पर गए और F5 से मैंने अपने कोड को रिफ्रेश किया तो आउटपुट हमारी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप देख पा रहे हैं अपने लिस्ट आइटम से पहले आपके कैपिटल में यानी अपर केस में रोमन नंबर लिखे हुए हैं जिसके लिए मैंने वैल्यू पास की थी यहाँ पर कैपिटल आई। चलिए इसके बाद मैं यहाँ एक और वैल्यू पास करता हूँ जो है मेरी स्मॉल आई, जिससे मैं देखूंगा यहाँ मेरा लोअर केस के अंदर जो लिस्ट आइटम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। कंट्रोल एस के साथ में मैंने इसको सेव किया और सेव करने के बाद मैं वापस अब मैं अपनी ब्राउजर स्क्रीन पर गया और मैंने इसको रिफ्रेश किया F5 के साथ में तो आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। अब आप देख पा रहे हैं कि लिस्ट आइटम से पहले यहाँ लोअर केस में रोमन नंबर लिखे हुए हैं। पहले बच्चों ये रहा मेरा टाइप एट्रीब्यूट जो आपने अपने ऑर्डर लिस्ट के साथ में देखा और इसकी 5 वैल्यूज हैं जो आपने 1 by 1 पास करके देखी हैं। आप भी ये चीज़ें ट्राई कीजिएगा। इसके बाद में मैं अपने नेक्स्ट एट्रीब्यूट यानी स्टार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टार्ट एट्रीब्यूट का बेसिकली काम क्या है कि जब आप किसी एक लिस्ट की शुरुआत करते हैं और आप चाहते हैं कि जो उसका ऑर्डर है आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, आप अपने अकॉर्डिंग से उसका ऑर्डरिंग करना चाह रहे हैं। मान लेते हैं आप अगर नंबरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, नंबरिंग में मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लिस्ट आइटम की शुरुआत है वो 1 से ना होने के बजाय किसी एक स्पेसिफिक नंबर से हो, तो उसके लिए जो आपने एट्रीब्यूट यूज करना है वो आपका स्टार्ट एट्रीब्यूट होगा। चलिए मैं इस एट्रीब्यूट के बारे में भी एक कोड बना लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने वही कोड लिया है अपना जो अभी ऑर्डर लिस्ट में हम टाइप के लिए चेक कर रहे थे। इसके लिए आपने अपना एट्रीब्यूट लिखना है जो आपका एट्रीब्यूट है स्टार्ट और इज इक्वल टू के साइन में आपने यहाँ पर पास कर दिया। मान लेते हैं मैं नंबरिंग की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर टाइप 1 पास किया था और स्टार्ट के अंदर मैं यहाँ 10 पास कर देना चाह रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा कोड है जो मेरे लिस्ट आइटम आ रहे हैं उन सब की जो नंबरिंग है वो 10 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो इसके लिए आपने एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ 10 पास कर दी। जो मर्जी वैल्यू आप यहाँ यूज कर सकते हैं अपने स्टार्ट एट्रीब्यूट के लिए। कंट्रोल एस के साथ में मैंने यहाँ इसको सेव किया। सेव करने के बाद में वापस मैं अपनी ब्राउजर स्क्रीन पर गया और F5 से मैंने अपने कोड को रिफ्रेश किया, आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। अब आप ध्यान से अपने आउटपुट को देखिएगा कि पहले जो नंबरिंग हमारी 1 से स्टार्ट होती विदाउट स्टार्ट एट्रीब्यूट, मैंने अपना स्टार्ट एट्रीब्यूट यूज किया विद द वैल्यू ऑफ 10, तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो 10 से स्टार्ट हो चुकी है, जो आपकी 10, 11, 12, 13, तो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो 14 पर आ जाएगा। तो ये रहा हमारा प्यारे बच्चों ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में जो आप लोगों ने बड़े अच्छे से समझा है। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे इस वीडियोस में कमेंट दे सकते हैं, साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें। थैंक यू।